हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि नीट का एग्ज़ाम हो चुका है और एपीवीटी यानी कि वेटनरी की काउंसलिंग भी स्टार्ट होने वाली है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया है, और वो कि सितंबर में स्टार्ट हो जाएगी। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस बार वेटनरी में कौन कौन से कॉलेज हैं और उनमें कौन कौन सी सीट कितनी कितनी सीट हैं। जैसे कि जानते हैं कि आप 15% जो कि ऑल इंडिया की सीट वेटनरी में आती हैं, तो उसकी ये पूरा लिस्ट दी हुई है, तो हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये देखिए नंबर वन कॉलेज है फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंस खानापारा गुवाहाटी, जो कि असम में है। इसमें ऑल इंडिया वेटनरी के थ्रू 15% सीट के अंडर 12 सीट हैं, जो कि जनरल के लिए 11, एससी के लिए 1। इसके बाद कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस तिरुपति, जो कि आंध्र प्रदेश में है, इसमें 11 सीट हैं। इसके बाद एन टी रामा राव कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस, जो कि ये कनावरम कृष्णा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है, इसमें 11 सीट हैं। इसके बाद कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस, ये आंध्र प्रदेश में है, इसमें भी 11 सीट हैं। इसके बाद कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री अंजोरा दुर्ग में है, इसमें 12 सीट हैं। इसके बाद कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री आनंद, इसमें 9 सीट हैं। इसके बाद कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री सरदार कुशीनगर, इसमें गुजरात में, इसमें 11 सीट हैं। इसके बाद कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री नवसारी, इसमें 12 सीट हैं। और कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री जूनागढ़, इसमें भी 9 सीट हैं। एंड डॉक्टर जीसी कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस डिस्ट्रिक्ट खंगरा पालमपुर हिमाचल प्रदेश, इसमें 9 सीट हैं। इसके बाद कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस हिसार, इसमें 11 सीट हैं। और वेटनरी कॉलेज हर्बल बेंगलोर कर्नाटका, 11 सीट। वेटनरी कॉलेज नंदी नगर बीदर कर्नाटका में 9 सीट। वेटनरी कॉलेज विनोबा नगर, ये जो कि कर्नाटक में है, इसमें 12 सीट हैं। वेटनरी कॉलेज गोकुला विद्यानगर, इस जो कि कर्नाटक में, इसमें भी 11 सीट हैं। और कॉलेज ऑफ वेटनरी एनिमल साइंस, जो कि त्रिसार में है, केरला में, इसमें 12 सीट हैं। कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, जो कि केरला में है, इसमें भी 12 सीट हैं। कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री एजावल, इसमें 11 सीट हैं। क्या मध्य प्रदेश में 12 सीट हैं। इसके बाद इंदौर में 12 सीट हैं। इसके बाद रेवा में भी 12 सीट हैं। इसके बाद ये परभानी महाराष्ट्र में 12 सीट है। नागपुर महाराष्ट्र में 12 सीट है। परेल मुंबई में 12 सीट है। और ये महाराष्ट्र 10 सीट, ये सब आप देख सकते हैं, पूरी लिस्ट दी हुई है। इसके बाद इसमें कुछ प्राइवेट कॉलेज भी हैं, जैसे ये है खालसा कॉलेज ऑफ एनिमल एंड वेटनरी साइंस राम तीर्थ रोड अमृतसर, ये जो कि प्राइवेट कॉलेज है, इसमें 9 सीट है। इसमें भी आप नीट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें जो है ये मैनेजमेंट कोटे का कॉलेज है। इसके बाद ये देखिए, ये जो है अरावली वेटनरी कॉलेज शिखर राजस्थान, ये प्राइवेट कॉलेज है, इसमें भी 9 सीट है। और देखिए सब सीट है। ये बात करते हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड में ये है कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस पंतनगर, इसमें 9 सीट है। इसके बाद कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री मथुरा, इसमें 12 सीट है। इसके बाद फैजाबाद में 8 सीट है और कलकत्ता में 12 सीट है। इस तरह कुल मिलाकर 434 सीट जो हैं वेटनरी 2018 में है, जिनकी जो है नंबर घट बढ़ सकते हैं काउंसलिंग के दौरान। और इनकी काउंसलिंग जो है सितंबर में स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई न्यूज़ चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, और हम जल्द ही इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि कट ऑफ क्या हो सकती है और आपको कितने नंबर पर कॉलेज मिल सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, और इसी तरह की न्यूज़ पाने के लिए और ढेरों न्यूज़ वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।